रमज़ान का पाक महीना चल रहा है जिसमें सारे मुस्लिम भाई लोग रोज़ा में हैं, और जब रोज़ा में रहते हैं शाम का वक्त जो होता है वो इफ्तार का होता है। और इफ्तार में ऐसे तो कई ख़ास चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास जो है वो है शीर चाय। अभी हमारी मौजूदगी सब्जी बाग में है और इस दुकान में शीर चाय मिलती है। आप देख सकते हैं इस दुकान का नज़ारा, काफ़ी भीड़ भी है और लोग भी हैं। आखिरकार शीर चाय का क्या महत्व है और लोगों को इसको क्यों पीना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, हम इनसे ही जाने। कब से आप ये शीर चाय की दुकान? 40 साल से मैं बना रहा हूँ। 40 साल जी हाँ। तो इसकी महत्वता क्या है, क्यों रमज़ान के दिनों में ये सिर्फ मिलती है, एक महीने के में सिर्फ बिकवे करती है? ये रमज़ान में इसलिए बिकती है कि रोज़ेदार लोग बड़े दूर दूर जाते हैं खास करके शीर चाय पीनेंगे। इसको पीने से प्यास को बुझाता है, रोज़ा महसूस नहीं होता, थकावट महसूस नहीं होता है, इसका खासियत यही है। और इसमें जितने भी है मटेरियल पड़ता है सब एक से एक सामान पड़ता है, खाने का काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्तादाना है, बादाम है, ये जूस को उतारा जाता है, उसके बाद लास्ट में दूध खाली दिया जाता है, यही इसका खासियत है। कितना समय लगता है बनाने में? कम से कम 8 घंटा में इस चाय तैयार होता है। 8 घंटा? कम से कम 8 घंटा। तो यहाँ तो भीड़ भी इफ्तार के वक्त बहुत लग जाती है। तो अभी 8 बजे के बाद से भीड़ रहेगी, जो 12 बजे तक भीड़ रहेगी। जी हाँ, अभी तो सब आदमी रोज़ा खोली होगा, नमाज पढ़ेगा, तिलावत करेगा, उसके बाद मार्केटिंग करेगा, तो चले भाई अब सिर चाय पिएगा। थोड़ा यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। बाबू पीते हो ये? यस, हम तो पीते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो रोज़ा क्या रख रहे हो? हाँ, रोज़ा रख रहे हैं। रोज़ा रखते हो और शाम को इफ्तार में ये पीते हो? अफ्तार में तो वो अफ्तार करते उसके बाद आकर के पीते हैं। इसको पीने से कैसा लगता है? बहुत मन अच्छा हो जाता है इसको पीने से। सिर चाय पीने के लिए मैं खास के सब्जी बाग में आई हूँ। खास कर सब्जी बाग में ऐसे आप रहते भी कर लिए और थोड़ा सिर चाय पी, बच्चे लोगों को मार्केटिंग की है तो कुछ आराम महसूस होता है? जी हाँ, सिर चाय पीने से हमको तो बहुत महसूस होता है। जी, क्या खास है आप इस दुकान में आए, क्योंकि इतनी सारी शीर चाय की दुकान है? जी, ये यहाँ की शीर चाय बहुत टेस्टी आती है, इसके पीने से है ना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। क्योंकि इतने हाई फाई दुकान हो गए हैं उसके बाद भी ऐसे रोड के साइड में आके पीना? जी जी, जहाँ दादा परदादा शुरू से पीते हुए आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ से फैमिली के ट्रेडिशन को आप बरकरार जी जी एकदम फैमिली को ट्रेडिशन को हम बरकरार रख रहे हैं। इसके साथ आप मुझे ये बताइए कि इसके फायदे क्या कुछ है? फायदे बहुत कुछ है, ऐसे तो उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन बस मज़ा आता है चाय पीने में। देखिए यहाँ पे बहुत काफ़ी लोग हैं, हम इन दुकान वालों से जुड़ते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा लगता है, कैसा लगता है चाचा? ठीक लगता है, ठीक लगता। हाँ, उस साल में एक मरते बनता है यहाँ तो। फिर तो पूरे साल मिलेगा नहीं, अभी रोज बस हर महीना ये बिकता है। अब ईद नज़दीक है, आने वाली है, कहीं ना कहीं मिस करेंगे आप भी? हाँ, जरूर मिस करेंगे। तो देखिए इन लोगों का बस इतना ही कहना है कि जो एक महीना रमज़ान का होता है उस महीने में ही शीर चाय मिलती है, और यहाँ पे सब्जी बाग में खासकर बहुत सारी शीर चाय की दुकान है, लेकिन ये जो चाय की दुकान है काफ़ी फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं पीने के लिए। ईद नज़दीक है, उसके बाद पूरे साल आपको शीर चाय नहीं मिलेगी। अगर आपको पीना है तो आप भी सब्जी बाग आइए और पीजिए। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।